हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन्यूवर जनरल अवेयरनेस सीरीज गाइस। दिस इज द पार्ट 5 एंड स्टूडेंट दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जाम, ये सीरीज काफी बेनिफिशियल होगा। कंटिन्यू आप फॉलो करते रहो। ये 5th पार्ट है, इसके पहले का भी 1, 2, 3, वो सारे पार्ट में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ एज पर द करेंट अफेयर्स, आर्टिकल बेस्ड करेंट अफेयर्स। इट मीन्स जो भी करेंट अफेयर्स चल रहा है उसमें प्रीवियस वीक से मैं 2 to 3 न्यूज लेता हूँ एंड उस न्यूज के बेसिस पे एज पर द क्लैट पैटर्न किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है वो मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो कंटिन्यू अगर से आप ये सीरीज फॉलो करते रहोगे तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर द क्लैट एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न के बेस पे आपका इंप्रूव हो जाएगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी कि किस बेस पे आर्टिकल एंड जो क्लैट में पैसेज बेस्ड करंट अफेयर्स फॉर्म होता है एंड उस पर्टिकुलर न्यूज उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो बेसिकली उसी का हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहो गाइस। दिस इज अ वेरी हाईली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सीरीज एंड जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है सो दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन एंड हियर यू कैन ज्वाइन अस फॉर द लाइव क्लास। लाइव क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हो, एक क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे काफी आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल मिलता है आपके प्रिपरेशन के लिए एंड फॉर योर प्रिपरेशन एवरीथिंग, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड डाउट क्लासेस, मेंटरशिप, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर से आप मुंबई बेस हो एंड नियर बाई दीज लोकेशन बिलोंग करते हो, दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर। अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन सो 8828581455 पे कॉल कर सकते हो और यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। ओके, नाउ कम टू द न्यूज पार्ट। तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैंने PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है रिसेंटली और इट इज बेस्ड ऑन 5th anniversary ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे गवर्नमेंट होल कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपॉर्टेंट डे सेक्शन में जो 5th June ऑब्जर्व एज अ एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व होता है उसी पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है ई कुकिंग ट्रांजिशन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो ये न्यूज है, ये आर्टिकल्स है, ये पूरा डिस्कस करता है इसके बारे में। अब देखो ये इस पे किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और ऐसे ही न्यूज एग्जाम्स में आते हैं जो कि आपका पूरा कंप्लीट एरिया चेक करते हैं कि आप करंट अफेयर्स से कितना अपडेट हो, गवर्नमेंट स्कीम से कितना अपडेट हो, एनवायरमेंट रिलेटेड या फिर जो जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होता है, स्टैटिक GK का पार्ट, अगर इस आर्टिकल से रिलेट करके मैं बात करूं तो वो सारे एंटायर 4-5 क्वेश्चन आपका एग्जामिनर चेक करता है। तो इसी पैसेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो क्या है। सो हाउ कैन वी एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इफिशियंट क्लीन एफोर्डेबल ई कुकिंग सॉल्यूशन। सो देखो यहाँ पे ई कुकिंग सॉल्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बात हो रही है, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर है वो बात कर रहे हैं। इंडिया On Environment Day today, a conference organized in New Delhi by the Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India, in collaboration with the CLASP, sought to find the new answer to this question. The conference on consumer-centric approach for e-cooking transition, so एक new approach को यहाँ पे introduce किया जा रहा है, brought together institutional consumer research group, policy maker, think tanks and manufacturer इन डिस्कशन ऑन स्ट्रेटजी फॉर द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक कुकिंग। सो एक रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इलेक्ट्रिक कुकिंग से रिलेट करके बात हो रही है। एनवायरमेंट डे का जो दिन है उस दिन पे ये मैसेज बेसिकली आया हुआ है। सो अब देखो एनवायरमेंट डे एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों को कैसे कनेक्ट हो रहा है। डिलीवरिंग द स्पेशल एड्रेस एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ पावर अजय त्यागी सेड दैट ई कुकिंग इज द गोइंग टू बी एन एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट For all Indians in the time to come, some people take it very lightly, but e-cooking has many dimension for families in urban and rural area. Given our large population, a change in our behavior can have the biggest impact on the planet. अब देखो ये मैसेज बेसिकली कहीं ना कहीं मिशन लाइफ से कनेक्ट हो जाता है जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था गुजरात केवड़िया डिस्ट्रिक्ट से। बेसिकली कहीं ना कहीं इंडिविजुअल मिशन लाइफ इज वॉट मिशन लाइफ इट्स रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इट मीन्स हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ये ई कुकिंग इलेक्ट्रिक जो बात हो रही है ई कुकिंग की, इलेक्ट्रिक कुकिंग की, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है बिकॉज कुकिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। ठीक है, तो ये इस वे में कनेक्ट हो रहा है और देखो यहाँ पे भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। स्पीकर स्पीकिंग अबाउट द मिशन लाइफ लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर एट द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज इन ग्लासगो
in 2021, the additional secretary said that India has emerged as a leader in energy transition. We are going to achieve the renewable energy target much earlier than the timeline we announced. This is the evident from our achievement of nationally determined contribution 9 years ahead of the target and our renewable energy target. So basically देखो इस passage में environment day के association पे ये message pass हुआ, press information bureau का ये articles है. यहाँ पे जो renewable energy से relate करके बात हो रही है, एक new word e-cooking को यहाँ पे introduce किया गया है एंड मिशन लाइफ इससे कनेक्टेड है. तो काफी चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट से रिलेट करके, साइंस एंड एनवायरमेंट से रिलेट करके. सो अब देखो एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ सकता है. बेसिकली द यूनाइटेड नेशन असेंबली एस्टैब्लिश वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन. सो आपसे एनवायरमेंट डे नहीं पूछ रहा है कि विच डे वी ऑब्जर्व. थोड़ा सा क्वेश्चन को एक लेवल डिफिकल्ट बना दिया गया है यहाँ पे. सो कभी इसको स्टार्ट किया गया था, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश. तो कहीं ना कहीं आपको एनवायरमेंट डे से रिलेट करके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं और दिस इज द थीम फॉर दिस ईयर, ऐसा नहीं है. तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन व्हेन यू विल रीड द आर्टिकल प्रॉपरली, करंट अफेयर्स को जब अच्छे से अपडेट करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपका अपडेट होगा. अदरवाइज ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून 1972 को ऑब्जर्व, इट वॉज एस्टैब्लिश एंड एवरी ईयर 5 जून को ऑब्जर्व होता है जो अपना एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकता है करेंट अफेयर से रिलेट करके, द थीम 2023 विल फोकस ऑन द सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन अंडर द कैंपेन. जो इसका थीम है 2023 के लिए, वट इज द थीम फॉर द 2023. सो बी इट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ब्रीथ लाइफ, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट. सो वट इज द थीम फॉर दिस ईयर. सो करेक्ट आंसर जो कि आपको करंट अफेयर से अपडेट करना है, बीट प्लास्टिक, जो इस वे में फॉर्म हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे इस तरह से कुछ फॉर्म हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज को लेकर के कंसर्न है. सो किसमें सबसे कम पॉल्यूशन होता है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोल. सो होप सो यू पीपल आर अवेयर. एंड काफी इंडिया इस पे हाइड्रोजन मिशन भी इंडिया ने स्टार्ट किया है, हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन. तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सिंपल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी आप अवेयर हो तो आप इजिली मार्क कर लोगे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल वे ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखो ये साइंस का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेट करके साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया. ये जो पूछ रहा है कन्वेंशनल वे ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो टाइडल पावर, विंड पावर, थर्मल पावर एंड सोलार पावर. इट मीन्स जो कन्वेंशनल वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, व्हाट इज द वे. सो टाइडल पावर जो हाई टाइड आती है उससे, या विंड पावर से, या थर्मल पावर, या सोलार पावर से. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है थर्मल पावर. एंड हियर यू कैन सी रिन्यूएबल सोर्स जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसमें कि रिन्यूएबल सोर्सेस आते हैं, वाटर है, विंड्स एनर्जी है, सोलार है, ये सब सारे आते हैं. एंड नॉन रिन्यूएबल में ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब सारे चीजें आती हैं नॉन रिन्यूएबल या फिर कॉन्वेंशनल वे आप बोल सकते हैं. तो देखो ये कहीं ना कहीं साइंस का एक आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, तो अगर आप इन सब चीजों से अवेयर हो तो इजिली मार्क कर लो, अदरवाइज मे बी डिफिकल्ट फॉर यू. आफ्टर दैट एसिड रेन इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ, सो ठीक है एसिड रेन से भी जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये इस तरह से पूछा जा सकता है एनवायरमेंट से रिलेट करके. तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जिसका करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है सोर्स, इसको भी मैंने PIB से लिया है, विच इज हिस्टोरिकल बेस्ड पैसेज, काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी से रिलेट करके. देखो ये जो आपका है 6 जून का न्यूज है, 6 जून का न्यूज है, ये PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल से न्यूज में आया था. सो इंडियन नेवी टू कमेमोरेट द 130 एनिवर्सरी ऑफ द गांधी जी सत्याग्रह, द प्लेस वेयर इट्स बिगिन. ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यूज है बेसिकली इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के रिलेशन को लेकर के है पूरा, अगर पैसेज आप रीड करोगे तो. चलो पैसेज को देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस आर्टिकल में, इस न्यूज में, विच वॉज रिलीज ऑन 6 जून. तो हम ऐसे वीक वाइज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, जैसे मैंने एक एनवायरमेंट डे ले लिया जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई, ये हिस्टोरिकल पैसेज है, काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल बेस. और इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज देखेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर, जो पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है वो उसको हम देखेंगे. तो हम करंट अफेयर्स और पिछले पास्ट ईयर को भी कनेक्ट करके पूरे एकदम जो नेचर है वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन क्लैट एग्जाम वो आपका अपडेट हो जाएगा. तो ये बेसिकली ये सेशन आपको आइडिया देगा कि कैसे आपको करंट अफेयर्स रीड करना है, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू फॉलो करते रहना. द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन कमेमोरेटिव इवेंट to mark the 130 years of the start of struggle against apartheid at
Peter's Martinsburg railway station near Durban, INS Thrissur frontline warship of the Indian Navy is visiting Durban from 6 to 9 June 2023 commemorate the 130th anniversary of 7th June 1893 incident at Peter's Martinsburg railway station, as also 30 years of re-establishment of the diplomatic relation between India and South Africa. तो देखो ये इस तरह से न्यूज हो गया मार्टिन पीटर्सबर्ग. अब ये इवेंट क्या था वो देख लो महात्मा गांधी से रिलेट करके. महात्मा गांधी हैड अराइव इन डर्बन साउथ अफ्रीका इन 1893 टू सर्व अ लीगल काउंसिल टू द मर्चेंट दादा अब्दुल्ला ऑन 7 जून 1893 ड्यूरिंग द ट्रिप टू प्रिटोरिया इन ट्रांसवाल ही फर्स्ट अराइव एट पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन. गांधी जी हु वॉज seated in the first class compartment after having the purchase a ticket was evicted from the compartment at the behest of European since as per him coolies and non-whites were not permitted in first class compartment. So Gandhi ji ko basically utha ke wahan se fek diya gaya. The incident is considered to be trigger which led the Gandhi ji fight against racial oppressions and to the birth of सत्याग्रह. तो यहीं से बेसिकली एक सत्याग्रह की स्टार्ट होता है गांधी जी के एक माइंड में जो ये उन्होंने फेस किया. द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी जी ट्रेवल्स एट पीटर्स मार्टिन्सबर्ग रेलवे स्टेशन एक्वायर्ड अनदर लाइफ ऑन द अप्रैल 25, 1997 व्हेन इन अ मूविंग सेरेमनी एट पीटर्स मार्टिन्सबर्ग रेलवे स्टेशन प्रेसिडेड बाई द नेल्सन मंडेला देन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका द फ्रीडम ऑफ पीटर्स मार्टिन्सबर्ग वॉज कॉन्फर्ड पोस्टमसली ऑन द महात्मा गांधी गैदर्ड टूगेदर टू द राइट अ सेंचुरी ओल्ड रॉन्ग प्रेसिडेंट मंडेला रिकॉल गांधी इज मैग्निफिशियंट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन इन द फेस ऑफ ऑपरेशन. सो बेसिकली यहाँ पे जो करंट रिलेशन है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका को उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. तो दिस इज द करेंट अफेयर्स पार्ट, दिस इज द हिस्टोरिकल पार्ट एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट जो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का रिलेशन है उस पार्ट को ये सारे पैसेज अलग अलग पार्ट में शो करते हैं. अब देखो एग्जामिनर यहाँ से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेटेड टू दिस इवेंट, इस न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया इन विच ईयर, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कभी वापस आए, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और उसको हम एक इंपॉर्टेंट डे के वे में सेलिब्रेट भी करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज द 1915. याद रखो हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनवरी 9, 1915 दिस डे चूजन एज इन 2023 टू बी ऑब्जर्व एज अ प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम NRI डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाई गांधी जी, इसमें से कौन सी बुक जो गांधी जी ने लिखी है. तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री एंड बुक्स एंड राइटर से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सो वट इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे गांधी जी ने लिखे. तो रिमेंबर कर लेना सारे सारे बुक के नेम एंड दिस ऑल आर द रिटन बाई गांधी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्टैब्लिश द नेताल इंडियन कांग्रेस. सो काफी इंपॉर्टेंट है इस इवेंट से रिलेट करके, गांधी जी के साउथ अफ्रीका के विजिट से रिलेट करके. तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. 1894 इज अ करेक्ट आंसर इसका होगा. देन नेताल कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज दैट एम टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन इन साउथ अफ्रीका. सो ये उसके लिए इन्होंने फॉर्म किया था बेसिकली. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सेटअप बाई गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका के विजिट से ही रिलेट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है इट्स अ हिस्टोरिकल क्वेश्चन. न्यूज पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन, द नेताल इंडियन कांग्रेस, द फोनिक्स आश्रम एंड द इंडियन लीग. सो विच वन इज नॉट सेटअप फॉर्म बाई गांधी जी इन साउथ अफ्रीका बेसिकली. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडियन लीग द फोनिक्स सेटलमेंट इस्टेब्लिश बाई गांधी जी नियर डर्बन 1904 वॉज फॉर्मली रीओपन ऑन फेब्रुवरी 27, 2000. So these are the details. Basically, the Indian League in 1875 with the object of and it's formed by the Sisir Kumar Ghosh started the Indian League in 1875 with the object of stimulating the sense of nationalism amongst the people. So basically, ये details है. तो देखो ऐसे ही fact connect होते हैं जो article based current affairs चल रहा है उसका static part. In which South African unit had most of the India immigrants taken up abroad. So Johannesburg, Natal, Martinsburg, Durban. Okay, so what is the name of the city where most of the Indian were? So Natal, the Indian African unit in which most of the Indian immigrants had taken up abroad.
सो बेसिकली ये 5 क्वेश्चन जो इस आर्टिकल के बेस पे फॉर्म हो सकता है करंट अफेयर्स का, वो मैंने यहाँ पे आपको शो किया, जो कि 6 जून का ही न्यूज है, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने रिलीज किया। तो जब भी आप उस न्यूज को स्टडी करोगे ना, तो वो जो गांधी जी वाला इवेंट है, उस इवेंट, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन इन साउथ अफ्रीका, और ये जो मैंने क्वेश्चन आपको शो किया, ये सब सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो गाइस, दिस इज द राइट वे हाउ यू कैन स्टडी द करंट अफेयर्स। ऐसे ही चीजों को जब कनेक्ट करके स्टडी करोगे, तो एग्जाम में इजिली आंसर कर पाओगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। देखो यहाँ पे एक पैसेज मैं लास्ट ईयर से डिस्कस कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है, सोर्स इसका मैंने दिया पास्ट ईयर पेपर। सो ये पास्ट ईयर पेपर है, उसमें भी आप देखोगे तो पीआईबी का ये दिल्ली डेट 20 दिसंबर 2021 का ये न्यूज रहा है। सो सारे सारे जो पैसेजेस है ना, ऐसे नहीं है कि ऐसे उठा लिए, एग्जाम में भी आया है और जो न्यूज रहा है कहीं ना कहीं आर्टिकल बेस्ड वहां से इसको लिया गया है। सो देखो, दिस पैसेज इज रिलेटेड टू बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड करके है। तो नई रोशनी स्कीम एम टू इम्पावर एंड इनहैंस द कॉन्फिडेंस इन वेमेन बाई प्रोवाइडिंग द नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सो बेसिकली दिस स्कीम इज फॉर वॉट, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वुमेन के लिए। इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू कंडक्ट फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, कवरिंग एरिया रिलेटेड टू प्रोग्राम्स फॉर वेमेन, हेल्थ एंड हाइजीन, लीगल राइट्स ऑफ वेमेन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत लाइफ, स्किल एंड एडवोकेसी फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज। सो बेसिकली अबाउट दिस नई रोशनी स्कीम सारी चीजें बता दी गई, स्पेशली फॉर द वेमेन, वेमेन इन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। उसके बाद सिमिलरली नई मंजिल स्कीम एम टू बेनिफिट द यूथ बोथ मेन एंड वेमेन बिलोंगिंग टू नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी हु डू नॉट हैव फॉर्मल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इट मीन्स दोज इन द कैटेगरी ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट आर एजुकेटेड इन अ कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक मदरसाज। सो 30% ऑफ द बेनिफिशरी सीट आर रिमार्क फॉर गर्ल्स वेमेन कैंडिडेट एंड 5% ऑफ द बेनिफिशरी सीटेड सीट्स फॉर पर्सन विद द डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर द स्कीम। द स्कीम प्रोवाइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन क्लास 8 to 10, दीज आर द डिटेल, बेसिकली इनेबल द बेनिफिशरी सीक बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवहुड। दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज विच आर इम्पैनल्ड थ्रू एन ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बाई इन्वाइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली इन दिस पैसेज वॉज वट आर द थिंग्स आर मैंशन, गवर्नमेंट स्कीम एंड दिस स्कीम इज फॉर होम एंड वट इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट रहा है, पी आई बी का न्यूज है, आप देख सकते हो। अब देखो इस पे एग्जामिनर ने किस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, बिकॉज दिस पैसेज इज रिलेटेड टू पास्ट ईयर पेपर। देखो वहां पे पूछ रहा है हाउ मेनी कम्युनिटीज हैव बीन नोटिफाइड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत ही सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी कम्युनिटीज आर अंडर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, एज वेल एज इस न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेंशन रहा होगा उसमें, वो आप देख सकते हो। बाय द वे ये पैसेज में नहीं दिया गया, वही एग्जामिनर चेक करना चाहता है। सो 3, 5, 6 एंड 8, सो हाउ मेनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर देयर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, 6 minority communities है। So following communities have been notified as a minority community by the government of India, Ministry of Minority Affairs, Muslim, Sikhs, Christians, Buddhist, Jain and Parsis. Okay, तो यहाँ पे सारे details भी हैं, तो आप इस content को download भी कर लेना, इसको अच्छे से read करना, इसमें जो question है उसकी practice करना, जो additional information है उसको try करना update करने का, as well as इसी pattern पे try करना guys, आप अपने आप को update करने का with respect to general awareness section, जो आपका important section है। Which among the following pairs of scheme and beneficiary is incorrectly matched? Basically, यहाँ पे examiner आपसे check कर रहा है कि आप इस स्कीम के बारे में कितना अवेयर हो, कितना डिटेल में आपने अच्छे से स्टडी किया है। सो नई रोशनी स्कीम वुमेन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन एज ग्रुप 18 ईयर्स टू 65, अब ये सारे डिटेल्स है, इट मीन्स जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, और इसमें एज ग्रुप क्या होना चाहिए वो कौन सा करेक्ट है। सो करेक्ट है नई मंजिल स्कीम वुमेन माइनॉरिटी कम्युनिटी टू एज ग्रुप 17 से लेके 65 ईयर के जो एज ग्रुप है उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है। ओके तो ये पूरा डिटेल्स है, थोड़ा सा पॉज करके आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड करके ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया। इट वॉज क्रिएटेड ऑन 29 जनवरी 2006। इट वॉज
कर आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. नजमा हमतुल्ला इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एज इन 2022. देखो अगर करंट अफेयर्स आप अपडेट हो तो बहुत इजीली इसी स्टेटमेंट से आप एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि नजमा हैपतुल्ला जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थी वो एनडीए के फर्स्ट गवर्नमेंट में थी. एनडीए का जो फर्स्ट गवर्नमेंट था, मोदी जी का फर्स्ट गवर्नमेंट, इट मींस 2014 से लेकर 2019 वाला जो फेज था ना, उसमें ये माइनॉरिटी मिनिस्टर मिनिस्ट्री हैंडल करती थी. बट जो आफ्टर 2019 के बाद जो सेकेंड मोदी गवर्नमेंट बनी उसमें ये नहीं थे मिनिस्टर. ओके, तो इसी के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज द इनकरेक्ट पार्ट. ओके, तो इसी तरह से थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए रिलेटेड टू मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज, वॉट एवर इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द कंट्री एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सी इसमें से माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो आइडेंटिफाई किया गया. सो मुस्लिम्स है, सिख है, क्रिश्चियन है, जेउस नहीं है इंडिया में, इनको माइनॉरिटी नहीं मिला है. और जो सिख्स थे वो मैंने बता दिया, सिख एंड पारसीज, वो उसको आप कर लोगे. देखो यहाँ पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध एंड सिख एंड पारसी. ओके, सो दीज आर द सिक्स कम्युनिटी विच आर अंडर द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया. ओके, सो इस वे में अगर अपडेट करोगे तो काफी राइट वे में आपका अपडेट हो जाएगा. जनरल अवेयरनेस सेक्शन एज आर्टिकल बेस और करंट अफेयर से कनेक्ट करके भी, एंड विच टाइप ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम. सो इसी वे में से गाइज आपको स्टडी करना है, एंड फॉर द 2024 एंड 2025 के लिए सीरियसली प्लान कर रहे हो. सो हियर आई विल सजेस्ट कि वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे प्रिपरेशन होता है. यू कैन ज्वाइन अस फॉर द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन में जिसमें लाइव लेक्चर्स मिलते हैं एंड ऑफलाइन में जिसमें क्लासरूम प्रोग्राम मिलता है. एक्सपर्ट फैकल्टी विल गाइड यू किस वे में आपको प्रिपेयर करना है फॉर ऑल सब्जेक्ट, एंड यू विल गेट द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर योर प्रिपरेशन. सो फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी फॉर क्लासरूम यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, एंड फॉर ऑनलाइन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8828581 4. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज, एंड कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहो, यू विल गेट द बेनिफिट. And continue, I will update you current affairs based passes and related question की हम practice करेंगे इस session में. So continue updates के लिए subscribe कर लो, and you can follow us on social media. And after that कोई भी doubt हो, कोई query हो, so please ask in comments. So definitely I will reply, and if you have any suggestions so you can also mention there. Okay, so see you in next part. Jai Hind.